इसका एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब देखो सिलेंड्रिकल, अब कहते हैं शेप चेंज, एक्चुअली कर पता क्यों रहे हैं सारा टॉपिक्स, ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि शेप कैसी मर्जी कर लो, कैपेसिटेंस उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। तो कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंड करती है, डी पे डिपेंड करती है, एप्सिलॉन नॉट ए डी थिकनेस शेप रेडियस, जैसी बॉडी वैसी कैपेसिटर का फॉर्मूला। वो कहते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाएंगे, ये एक लिया अंदर का ब्लू कलर का सिलेंडर, इस पर चार्ज दिया क्यू, रेडियस है ए, एक कैपेसिटर बाहर लिया ब्लू, इसको अर्थिंग कर दी, क्यू ने क्या प्रोड्यूस किया माइनस क्यू, तो ये है वी पॉजिटिव, ये है वी नेगेटिव, क्योंकि एक पोटेंशियल पॉजिटिव है एक पोटेंशियल नेगेटिव है। अगर आपको निकालनी है कैपेसिटेंस तो आप इस सरफेस के ऊपर क्या है वी पॉजिटिव, इस सरफेस के ऊपर क्या है वी नेगेटिव, तो कैपेसिटेंस क्या होगा अंदर का चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, इसकी कैपेसिटेंस है। तो फिर से आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब प्रॉब्लम सारी ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल लूं, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या यूज करूंगा कि अगर मैं अंदर से बाहर जा रहा हूं, अगर मैं कहां से कहां नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, तो उस केस में ये फाइनल और ये इनिशियल वो सेम डेफिनेशन है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अपने को सिलेंडर की वजह से ई नहीं पता, क्योंकि गॉस थ्योरम में लाइन चार्ज किया, शेल किया, सॉलिड स्फीयर किया, शीट की, सिलेंडर नहीं किया, और ये क्वेश्चन सिलेंडर का है, तो अपने को पहले क्या लगानी पड़ेगी गॉस थ्योरम। तो आप आर डिस्टेंस से पहले ई निकाल लें, जिसके लिए गॉसियन सरफेस सिलेंडर है आर रेडियस का, तो ई इंटू टू पाई आर एल सरफेस एरिया, और इज इक्वल टू इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को इक्वेट करके ई आ गया। आप अगर गॉस थ्योरम नहीं लगाना चाहते तो आप ई का डायरेक्ट फॉर्मूला ही नोट कर लें, अब स्टार्ट ही यहां से करें कि सिलेंडर के अंदर ई का फॉर्मूला ये होता है, आपका एक चार पांच स्टेप बचते हैं इसमें। तो आप सीधा लिखें सिलेंडर के अंदर आर डिस्टेंस पे ई का ये फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस में ई को पुट करें, अंदर का रेडियस ए बाहर का भी, ए से भी इंटीग्रेट करें, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया वन बाय आर डी आर, वन बाय आर डी आर की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ आर, कहां से कहां बी से ए, तो एक बार आर की जगह बी, एक बार आर की जगह ए, तो ये टर्म आ गई। पर क्योंकि हमें बड़े में से छोटा पोटेंशियल निकालना है तो इसको घुमाएं रिवर्स करें तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, तो कैपेसिटेंस क्या आ गई क्यू डिवाइडेड बाय पोटेंशियल का डिफरेंस। तो सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आ गया, नेचुरल लॉग ई होता है, और अगर इसको 10 लॉग बनाना है टू द बेस 10 2.303 से मल्टीप्लाई, फॉर्मूला नोट करें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का ये फॉर्मूला है।